देश की रक्षा करने वाले लोगों का सम्मान करने का मौका मिलता है। तो आज मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि राजू भाई ने मुझे इस योग्य समझा और इस मंच पे आमंत्रित किया। और ये जो कार्यक्रम है इसमें मुकेश जी, मुकेश भाई यहाँ पे उपस्थित है, राजू वर्मा जी, राजन जी और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, और सबसे ज्यादा यहाँ पे बैठी मेरी वीरांगनाएं, उनका मैं तहे दिल से कहते हैं इनका सम्मान करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने झांसी की रानी नहीं देखी, मैंने पद्मावती नहीं देखी, मैंने ये बहनें देखी है जिन्होंने अपने सुहाग को हंसते हुए नुछावर किया इस देश की धरती पर। तो असली कोई हमारे देश की महारानी लक्ष्मीबाई है तो वो ये बहने हैं, और अगर कोई पद्मावती है तो वो ये बहने हैं जिन्होंने अपने पतियों को खोया है। और सबसे बड़ी बात है आप इनके चेहरों को देखिए कि इनके हाथों की मेहंदी पूरी तरह से उतरने भी नहीं पाई होगी जब इन्होंने अपने पतियों को खोया, अपने सुहाग को खोया। तो ऐसी बहने श्रद्धा की पात्र है, ऐसी बहने हमारे सच्चे मन से मैं कहूँ तो ऐसी बहने मेरे देश की देवियाँ हैं, ऐसी बहने माँ दुर्गा है जिन्होंने हंसते हुए अपने सुहाग को खोया है। यहाँ पे बैठे मेरे दो बच्चे हैं, इन्होंने जब ये अपने पिता को खोया होगा तो कितने बड़े हुए रहे होंगे ये हम सब समझ सकते हैं कि आज ये जो बच्चे बैठे हैं। परंतु मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बच्चे से अभी पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि मैं दोबारा देश की रक्षा के लिए जाऊँगा। तो ये ऐसा भारतवर्ष है जहाँ के प्रत्येक सैनिक अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के नुछावर होना चाहता है। तो हमारा प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है, एक छोटा सा कर्तव्य बनता है कि हम भी इनका सम्मान करना समझे, हम भी जाने कि देश क्या है। देश को अगर किसी से समझना है तो इनसे समझिए, इनकी भावनाओं से समझिए, इनकी आंखों से देश को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मातृभूमि क्या होती है। आप सबसे सिर्फ एक ही अनुरोध है कि हम अपनी छोटी छोटी आकांक्षाओं में खोते रहते हैं, हम अपनी छोटी छोटी भावनाओं में खोते रहते हैं, राजनीति के तौर पर छोटी छोटी राजनीति होती रहती है, इससे जरा ऊपर उठ के देश की रक्षा करें, देश के बारे में सोचें, जो देश के हित में है वो कार्य करें। तो हम अपने घर में जब हम रात को बैठें खाना खाएं तो बच्चों को एक वीर कथा जरूर सुनाएं ताकि उन्हें पता चले कि वो किस मातृभूमि में पैदा हुए हैं, उन्हें पता चले कि इस देश का नौ सैनिक कैसे अपनी सीमाओं पे जाता है, रोजाना वो गाने सुनता है अपने। यहाँ पे कहते ना कि बहुत सारे सबके पास मोबाइल है, परंतु ये हम सबका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को हम ये शिक्षा दें कि देश के लिए कैसे गढ़ा जाता है। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बार बार होना चाहिए, हर रोज होना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची देशभक्तों की श्रद्धांजलि है और यही ऐसे कार्यक्रम ही हमारे देश की रक्षा के लिए आगे हमारे सैनिकों को, हमारे बच्चों को संस्कार देंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा राजन भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद इन आयोजन के लिए, और जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं भी उनके साथ खड़ी हूँ, जब भी उन्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे आवाज़ दें, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद।